एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री भी कितनी अजीब चीज है ना दोस्तों। यहाँ पर एक कहावत जो है कि चाहे कुछ भी हो जाए, आंधी आए, तूफान आए, कोई मर जाए, लेकिन शो मस्ट गो ऑन। ऐसा ही कुछ हुआ है। इधर शुरू हुआ बिग बॉस और उधर खबर आई कि टीवी का ये बड़ा सितारा हम सबके बीच से चला गया, ओझल हो गया, जिसने बड़ी से बड़ी फिल्मों में काम किया, जिसने ना सिर्फ मूवीज बल्कि सीरियल्स में काम किया, इंटरनेशनल फिल्म्स में काम किया। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ अनुपम जी की। जी हाँ, अनुपम श्याम जो कि हम सबको छोड़ के चले गए। सबसे पहले मैं राहुल भोज फीफा फूस परिवार की तरफ से इन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और बोलना चाहता हूँ कि सर आपने जो लेगेसी छोड़ी है, जिस तरीके का आपने काम किया है, चाहे वो प्रतिज्ञा हो, बैंडेड क्वीन हो, आपने एक से एक बेहतरीन फिल्मों में काम किया, कृष्णा चली लंदन ले लीजिए। तो ऐसे में आपने जो काम किया है, आपने जिस तरीके से काम किया है, एक लेगेसी छोड़ी है और विलन्स के किरदार को और भी ज़्यादा टेरिफाइंग बनाया है। दोस्तों आपको बता दूँ तो अनुपम जी जो हैं, अनुपम श्याम जी, इनको ज़्यादातर विलन के किरदार मिलते थे, नेगेटिव किरदार मिलते थे, और इनके में भी हो सकता है लुक्स की वजह से, जिस तरीके से इन्होंने कैरी किया था। 63 उम्र के थे ये दोस्तों जब ये हम सबको छोड़ के चले गए। दरअसल ये कई दिनों से जो है बीमार थे और लंबे समय से, पिछले साल ही इनकी खबर आई थी कि ये बहुत ज़्यादा बीमार है। फिर उसके बाद वो कंटिन्यूसली सिलसिला चलता रहा और अभी जिस तरीके से पैंडमिक है, जिस तरीके से चीज़ें हैं, तो ये हमें छोड़ के चले गए। इनकी आत्मा जहाँ भी हो, मैं भगवान से दुआ करता हूँ कि उन्हें शांति मिले। साथ ही साथ इनके काम को हम याद रखें, जिस तरीके का इन्होंने काम किया है। और यही कहना चाहूँगा दोस्तों कि इनके परिवार को इस दुख से लड़ने की ताकत मिले। ओम शांति। चलता हूँ, आप भी दुआ कीजिए।